हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज भाई हमारा छुट्टी का दिन है और आज जो वेनसडे है और हम लोग आए थे इधर बाहर भाई खाने पीने, जिधर KFC है हमारा अड्डा होता है, क्योंकि जो लोग भाई कराची में रहते हैं तो उनका एक अड्डा होता है कि पठान के होटल पे जाएंगे, पराठा खाएंगे, ये वो करेंगे, जो लोग कराची से हैं। तो हमारा भी यही है भाई, पोर्टो में इधर हमारे करीब है, बस हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। हम लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उसके बाद जो है घर चले जाते हैं। और उसके अलावा जो है मुझे जो है एक टी शर्ट भी लेनी थी, क्योंकि बॉस ने बोला था जो मेरा टी शर्ट है वहाँ मैं काम पे पहनता हूँ उस पर जो है थोड़ी बहुत प्रिंटिंग हुई हुई है। तो बॉस कह रहा था कि भाई आपको ऐसी टी शर्ट लेनी है जो कि मतलब प्योर ही हो, उस पर कोई प्रिंटिंग वगैरह ना हो। तो आज जो हमारे जो करीब है एक शॉपिंग मॉल है क्वार्टर्स इंग्लिश, हम लोग गए थे आज, पर वहाँ पे भाई महंगे थे, क्योंकि हमने जो पिछली बार भी कपड़े लिए थे वो जो है किसी और शॉपिंग मॉल से लिए थे, यहाँ से नहीं लिए थे। और सुबह भी हमारे छुट्टी है तो सुबह जाएंगे उस शॉपिंग मॉल, क्योंकि वहाँ पे बहुत ब्रांड है, सस्ते, मीडियम, मिडिल क्लास के हैं, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए, हर क्लास के लिए भाई वो मिलते हैं। तो भाई हम लोग भी जाएंगे वहाँ पे और वहाँ से जो है मैं टी शर्ट लूँगा। और उसके अलावा भाई सुबह जो है वो मुझे जाना भी है IMT की ऑफिस, क्योंकि यार लाइसेंस का चक्कर है, ये भाई चेंज करवाना ही है, क्योंकि भाई इतने पैसे दे के यूक्रेन से मैंने लाइसेंस बनवाया है और गाड़ी चलाने भी आती है। तो गाड़ी उधर है वो एक अलग बात है, पर ये है कि चलाने आती है। तो उसके लिए सुबह जो है लाजमी मुझे IMT के पास भी जाना है। और वहाँ पे कल नहीं परसों वैसे मैं गया था, अंदर नहीं गया था, और जहाँ हम काम पे जाते हैं ना वहाँ रास्ते में ही पड़ता है IMT की ऑफिस। तो एक मतलब मेट्रो से उतरा मैं और एक मिनट की वॉक पे IMT का ऑफिस थी। भाई इतने लोग वहाँ पे लाइनों पे खड़े थे ना कि पूछो ही मत। वो 9 बजे खुलती है और मैं 8 बजे उधर पहुँचा था। मैं जस्ट चेक करने गया था कि भाई ऑफिस इधर है, अगले दिन मैं आऊँगा डायरेक्ट, कोई मसला नहीं होगा कि भाई ढूंढो किधर है ऑफिस, क्या है क्या नहीं है। तो मैं जस्ट गया था, मैंने कहा कि पता हो कि इधर है तो फिर डायरेक्ट मैं चला जाऊँगा। तो भाई मैं 8 बजे उधर पहुँचा और क्या देखा, इतनी बड़ी लंबी लाइन पड़ी है, मतलब लोग खड़े हैं, 20 से 25 लोग थे जो कि 8 बजे पहुंच गए थे। अब तो जो वहाँ पे IMT की ऑफिस है वो खुलती है 9 बजे खुलती है। तो ये बड़ा मसला था। और कुछ और जो लड़के रहते हैं हमारे पास वो भी गए थे, और एक भाई के फिंगर वगैरह भी हो गए, सब कुछ हो गया, अभी उसको लाइसेंस मिलेगा। और उसके अलावा एक और चीज़ जो है आप लोगों के साथ शेयर करनी थी इस प्रोटेक्शन के बारे में, कि भाई जो ये प्रोटेक्शन हम लोगों को उन लोगों ने दिया है पुर्तगाल में, तो ये आप समझे कि रेजिडेंस जो है परमिट ही है, पर यह है कि भाई ये कार्ड में नहीं है, इन लोगों ने जस्ट हमें जो है सर्टिफिकेट दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई फारिग सर्टिफिकेट है, आप कुछ कर नहीं सकते। इसके जो है भाई बहुत ही फायदे हैं, और ये फायदे हैं कि जो रेजिडेंट कार्ड पे लोग करते हैं ना वो सारी चीज़ें इसमें हैं, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसका यही एक डिसएडवांटेज है, सिर्फ यही एक है कि आप वापस अपने घर नहीं जा सकते, और जो रेजिडेंस कार्ड पे है आप जो है घर जा सकते हो। सिर्फ यही जो है इसका डिसएडवांटेज है, उसके अलावा भाई बहुत से बेनिफिट्स हैं। और उसके अलावा ये भी है कि इस प्रोटेक्शन में हमें ऐसी भी चीज़ें मिल रही हैं जो कि सिर्फ पुर्तगीजी नेशनल्स को मिलती हैं। जैसे कि आप अगर बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो ना, तो आपको ऐसा अकाउंट वो खुलवा के देते हैं, जैसे मेरा खुला है या सैफ का खुला है, और लोगों का मुझे नहीं पता जिन लोगों ने भी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई किया है, वो इस तरह है कि मेरे साल में जो है वो 4 यूरो कटेंगे। और उसके अलावा जो 4 यूरो और जो आप, मैंने तो मिलेनियम में खुलवाया है, सैफ ने भी, अगर आप किसी और में खुलवाते हो और बोलते हो कि भाई मैं फॉरेनर हूँ, तो भाई बहुत से जो है आपके कमीशन वगैरह कटते हैं, या अगर आप पैसे भेजते हो बाहर आना जाना, ये वो लिमिटेशंस वगैरह जो होती हैं वो बड़ी होती हैं, क्योंकि हम लोग फॉरेनर हैं। पर जो हमें अकाउंट खोल के दिया उन लोगों ने, वो जो है पुर्तगीजी नेशनल्स के लिए है, और मिनिमम इंटरेस्ट वाला जो है ये खोल के दिया है। मतलब कि ये जो चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों को अकाउंट मिला है, ये उन लोगों को भी नहीं मिलता जिनके पास जो यहाँ का रेजिडेंस परमिट होता है, टेम्प्रेरी कार्ड जो होता है, ये सिर्फ वे प्रोटेक्शन वालों को दे रहे हैं। और उसके अलावा भाई आप ट्रैवल कर सकते हो इस प्रोटेक्शन पूरे यूरोप में, जिधर भी जाओ। ये समझो भाई रेजिडेंस कार्ड ही है, सिर्फ मतलब कार्ड नहीं दिया इन लोगों ने, सर्टिफिकेट दिया है, कोई मसला नहीं है। जिधर भी आपको शेंजिन में जाना है चले जाओ, घूमो फिरो, अगर कोई रोकता है तो बोलो ये देखो भाई प्रोटेक्शन हम लोगों ने दिया है, और आपको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। और उसके अलावा जो है आप लोग लाइसेंस चेंज करवा सकते हो, कि भाई हमारा जो लड़का एक है
अगर उसका लाइसेंस अभी आएगा, बायोमेट्रिक सारी चीज़ें हो गई जैसे मैंने आपको बताया है, तो मैं जो है हम लोग जो है आपसे शेयर करेंगे कि भाई उसने प्रोटेक्शन पे कैसे जो है रेजिडेंस कार्ड चेंज करवाया है, पक्का वाला उसको मिला है। और उसके अलावा जो है मैं खुद भी करवा रहा हूँ यार। मेरा ये मसला है कि मेरे पास यूक्रेनियन है, और जो मसला मेरा आएगा वो भाई NOC का आएगा। उन्होंने IMT की ऑफिस कैटेगरी नंबर 2 में ये है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी चाहिए, और वो मुझे यहाँ पे अभी मुश्किल है मिलना, क्योंकि एक तो यूक्रेन में जंग का सूरत हाल है, और उसके अलावा मुझे एम्बेसी को कहना पड़ेगा कि भाई ये यूक्रेनियन सर मेरे पास लाइसेंस है और मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी दे, और मुझे नहीं पता कि भाई वो देंगे या नहीं देंगे फॉरेनरों को, क्योंकि यहाँ पे ये चक्कर भी चल रहा है ना कि भाई ये प्रोटेक्शन जो है यूक्रेनियों के लिए, आप लोग क्यों आए हो, कुछ लोग इस तरह सोचते हैं, तो पता नहीं एम्बेसी वाले जो है देंगे या नहीं देंगे। बस यही चीज़ है जो मसला मुझे लगता है करेगी, पर मैं उनके पास जाऊँगा सुबह, बोलूँगा कि ये सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है। और उसके अलावा जो वो प्रोटेक्शन ग्रांट होती है उसके बाद सर्टिफिकेट देते हैं जिसमें जो आपके 3 नंबर होते हैं, वो भी भाई हम लोगों को अभी तक नहीं मिला। ये भी यार बड़ा लफड़ा चल रहा है कि 4 महीने हो गए अभी तक जो है वो उन लोगों ने सर्टिफिकेट इशू नहीं किया, क्योंकि ये सर्टिफिकेट भी चाहिए। IMT पे जब आप रजिस्टर करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप जो है अपना रेजिडेंस कार्ड डालो, उसकी जगह पे आप प्रोटेक्शन डाल सकते हो, क्योंकि ये प्रोटेक्शन जो है आपका रेजिडेंस कार्ड ही है। जैसे मैंने कहा आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, ग्लोबो वालों के पास जाओ भाई, ID जो है हमें बनवा के दो, या ऊबर ईट के पास जाओ, या सारी चीज़ें जो हैं, या जो लड़के जहाँ पे टैक्सी वगैरह का काम करना चाहते हैं वो भी भाई, कि आप अगर ऊबर पे हो, बोल्ट पे हो, अगर उधर काम करते थे यूक्रेन में, तो इधर आपका बहुत ही ईजिली बन जाएगा। उनको बोलो कि ये प्रोटेक्शन है, रेजिडेंस कार्ड ये, इस तरह जो है आपको बना के देंगे। और उसके अलावा हमारा भाई अभी तक आया नहीं है यार, अनफॉर्चुनेटली वो जो सर्टिफिकेट है वेट कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे ग्लोव वालों के पास, बोल्ट वालों के पास, और जो है ऊबर ईट वालों के पास, उनको बोलेंगे कि भाई अकाउंट हमें बनवाना है, क्योंकि चलो आप खुद काम नहीं करते, आपके पास होना लाजमी है, किसी भी टाइम भी जो है एक काम पे आ सकता है। और उसके अलावा कुछ लोग भाई रेंट पे भी देते हैं, अगर आपका मूड है रेंट पे देने का तो भाई आप रेंट पे भी जो है वो दे सकते हो। तो भाई इस प्रोटेक्शन के मज़े लो, क्योंकि इसमें ना आपको जो पुर्तगीजी नेशनल्स हैं उसके भी बेनिफिट मिल रहे हैं, ये तो हमें पता है कि ये चीज़ें मिल रही हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हाई लेवल की सैंपथी चल रही है, जो लोग यूक्रेन से आए हैं हाई लेवल की, भाई इन लोगों ने यूरोपियन ने ना हद ही क्रॉस कर दिए, तो भाई पुर्तगीजी नेशनल्स के अलग आपको मिल रहे हैं, और बाकी जो रेजिडेंस कार्ड पे आपको जो मिलेगा 3 साल 2 साल के बाद, उसके जो है अलग आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। और उसके अलावा ये था जो आपका ट्रांसपोर्ट कार्ड मिल रहा है ना, जो 40 यूरो का मिलता है इधर पोर्टो में, या आप लिस्बन में हो वो आप 20 यूरो में भी ले सकते हो। आप सोशल सिक्योरिटी या जो IFP वालों के ऑफिस है उन पर जाएँ और बोले कि भाई आपको जो है आप यूक्रेन से आए हो, और वो एक सर्टिफिकेट बनवा के देते हैं जिसपे जो है आप एक बार जाके उधर एंडेड वालों की ऑफिस होती है जहाँ पे कार्ड इशू करते हैं, उनको जाके दिखाएं, तो वो जो है वो अपने डेटा बेस में ऐसा कुछ डाल देते हैं कि आपको पूरा साल जो है वो 50% ऑफ पे वो कार्ड बना के देंगे। ये ऐसे भी हो रहा है, तो भाई ये प्रोटेक्शन ये है कि आपके पास प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो अगर एक बार आपको मिल गया तो भाई इसके बहुत ही फायदे हैं। तो अभी तो जो चीज़ें हमारे सामने हुई यही चीज़ें थे कि भाई प्रोटेक्शन के फायदे हैं, और बाकी आगे चल के कुछ और हम लोगों को पता चला कि KFC वाले भी भाई डिस्काउंट देने लगे हैं यूक्रेनियों को, या जो लोग आए हैं तो वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, पर ये लोग देंगे नहीं। तो आज की वीडियो में भाई यही चीज़ें थी, बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और जो है हम अपने अलग वीडियो में अपने जो नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालात के जवाब देंगे। बाकी ये है कि जो कल वाली वीडियो कमेंट है वो भाई हम लोग Q&A में जो है बताएंगे आपको, क्योंकि वरना जो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ तो गाइस चलो मिलते हैं सुबह IMT की ऑफिस के बाहर, लाइन में हम लोग भी भाई खड़े होंगे, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।